Hey, hi everyone, this is Mayank Gothari and today we had SFM November 2017 paper. I am just here to discuss with you the basic analysis of the entire paper. Paper mein sabse zyada marks kis mein se puchhe gaye, kaun se chapter mein se aur material kya tha, bas that's it. We are not going to discuss any kind of suggested answer and we are not going to discuss a particular question also. So this will be a short video, so let's have a look. You can see that aap yahan pe agar dekhenge to आपके पास में पूरा चार्ट है. सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ डेरिवेटिव्स में से पूछे गए थे, 21 मार्क्स. उसके बाद अगर आएंगे तो पोर्टफोलियो 10, म्यूचुअल फंड्स इस बार काफ़ी अच्छा पूछा गया 17 मार्क्स का, दैट इज़ सरप्राइजिंग थिंग. आफ्टर दैट फॉरेक्स एज यूजुअल आपको 18 मार्क्स का पूछा गया एंड देन मर्जर्स 16. सो अगर ओवरऑल में अगर आपको देखूँ तो टोटल डेरिवेटिव्स आपका हो गया, उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स और मर्जर्स. इन सबसे काफ़ी मतलब अराउंड 60% ऑफ द पेपर इन सिर्फ चार चैप्टर में से पूछा गया था. अगर हम एनालिसिस करें और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का तो हमारे पास में क्या पता चलता है, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे डेरिवेटिव्स 21, म्यूचुअल फंड 17 मार्क्स, फॉरेक्स 18 और मर्जर 16. ओवरऑल अगर आप देखेंगे 60 मार्क्स का पेपर इन चार चैप्टर्स में से पूछा गया. इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में पहले भी ये बोलता आया था, प्रैक्टिस मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ट्रेस 99 मार्क्स का पेपर डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल. आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था. 99 मार्क्स में से तकरीबन 70-75 तो डायरेक्ट उठा गया है सेम फिगर्स. आपको मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिस मैनुअल में से. एक और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट है, जिनकी वर्डिंग्स बदल दी गई है. जैसे एक क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का और इंटरेस्ट रेट गारंटी का, जिन्होंने उसमें लाइबोर माइबोर सब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था पैराग्राफ में. बल्कि जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल हम देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ था. सो थोड़ा बहुत ऐसा इनडायरेक्ट रिलेशन है, बट 99 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिस मैनुअल में से. एंड देन कम्स द स्टडी मटेरियल 8 मार्क्स, आरटीपी 14 मार्क्स का पेपर आरटीपी में से आया है, ये वाली करंट आरटीपी में से. आरटीपी में से एक जो डेरिवेटिव बैंक वाला क्वेश्चन था, स्वैप वाला, और एक था वंडरलैंड वाला जिसमें मिनिमम टाइम निकालना था ब्रेक इवन के लिए. सो 8 और 6 14 मार्क का. दिस वॉज द एनालिसिस. Basically, if you want to download this particular file, I will give you the link in the description of this video. So just go ahead and study confidently for the audit and law paper. All the best.